देखिए बहुत भीड़ है गाइस, एक बार चेक कर लो देखिए यहाँ पे। और अभी तक वेलकम बैक टू माय चैनल, मैं हेमानंद पात्रो आप लोग को स्वागत करता हूं मेरा यूट्यूब चैनल हेमानंद पात्रो ब्लॉग में। तो चलिए गाइस आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज के वीडियो में आप लोग को शेयर करने वाला हूं जो एक टेंपल है। और चलिए तो हम अभी आगे पहुंच चुके हैं एक जगह में, तो चलिए। हाँ तो गाइस आप अगर सुंदरगढ़ से आते हैं तो ये जो टेंपल है वहाँ से 40 या 45 किलोमीटर के आसपास हो जाएगा। और आप लोग को सुंदरगढ़ साइड से आ रहे हैं तो करमडीह बोल के एक गांव पड़ेगा जो कि रौलकला रोड में पड़ता है। करमडीह से लेफ्ट लेना है, सबडेगा रोड में आना है। और ये जो मेरा पीछे देख रहे हैं ये करमडीह से आ रहा है रोड और ये जाएगा छत्तीसगढ़, देखिए ये वाला रोड। तो मैं आके अभी पहुंच चुका हूं गैस, और तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं यहाँ से और आप लोगों को बता। तो फाइनली गैस मैं अभी सबडेगा क्रॉस करके मैं अभी बालीशंकरा रोड में जा रहा हूँ। और अगर आप सुंदरगढ़ से आते हैं तो करमडीह रोड में आना है, करमडीह से लेफ्ट लेके देखिए यहाँ पे भी एक टूरिज्म का बोर्ड लगा है सुखाया महादेव, और 13 किलोमीटर है यहाँ से मतलब। तो चलिए गैस जाते हैं यहाँ से, और आप लोग को देख सकते हैं गैस करमडीह से भी होगा 15 किलोमीटर के आसपास, सबडेगा क्रॉस करना पड़ेगा आप लोग को। यहाँ पर एक गाँव पड़ेगा और इस गाँव का नाम क्या है चलो देखते हैं आगे बोर्ड में लिखा होगा क्योंकि मैं भी आज फर्स्ट टाइम जा रहा हूं। तो आप लोग अगर राइट साइड में जाएंगे तलसरा पड़ेगा गैस, और लेफ्ट साइड में बालीशंकरा। तो हमें जाना है लेफ्ट साइड में, और मैं जो अभी जा रहा हूं वही रोड में, वहां पे आप लोग को बोर्ड में भी देखने को मिल जाएगा और किस रास्ते में जाना है। उसके बाद हम जाएँगे, अभी देखिए सीधे जाना है हमें, तो चलिए जाते हैं बालीशंकरा। हाँ गैस तो आप अगर सबडेगा साइड आते हैं तो आप लोग को बहुत सारा पहाड़ों देखने को मिलेगा, जो कि पहाड़ों में मतलब पत्थर मतलब चट्टान के टाइप के पत्थर देखने मिलेगा पहाड़ में, पहाड़ देखने को मिलेगा मतलब बहुत बड़ा बड़ा पहाड़ है उसके ऊपर चट्टान है पत्थरों में। और चलिए तो फाइनली गैस देखिए मैं बालीशंकरा पहुँच चुका हूँ अभी, और ये बालीशंकरा गाँव बोल सकते हैं आप। और यहाँ से एक देखिए बोल लगा है लेफ्ट साइड में जाना है, तो चलिए लेफ्ट साइड में जाते हैं गैस। और इस रास्ते में पड़ेगा सुखा महादेव टेंपल, और आप लोग को तो अगर आप लोग आते हैं तो कंफ्यूज होते हैं तो बालीशंकरा में एक बोर्ड देखने को मिलेगा जो कि आप लोग को रास्ता बता देगा कौन सा साइड में जाना है। और आप लोग को मैप यूज करते हैं गूगल मैप, तो वो भी आप लोग अगर सर्च करते हो तो गूगल मैप में भी आप लोगों को रास्ता बता देगा सुखा महादेव टेंपल सुंदरगढ़ लिखोगे तो। तो फाइनली गैस मैं देखिए पहुंचने वाला हूं, और ये देखिए पहाड़ों में चट्टान बोला था ना, ये देखिए चट्टानों टाइप का पहाड़ है और लेफ्ट साइड में, और देखिए रोड बहुत अच्छा है और देखिए व्यू भी बहुत अच्छा आ रहा है व्यू भी। देखिए लेफ्ट साइड में एक जाना नहीं है, हमें सीधे जाना है क्योंकि टेंपल सीधा है। तो चलिए मैप भी उधर दिखा रहा है, तो चलिए जाते। तो फाइनली गैस मैं अभी पहुंच चुका हूं देखिए, और एक गेट है और लेफ्ट साइड में पार्किंग एरिया देख सकते हैं, और ये कंक्रीट के रास्ते में जाएंगे। और देखिए ये कार वाले भी आए हैं भाई, और यहाँ पर बोर्ड लगा है देखिए सुखा महादेव। फाइनली हम पहुँच चुके हैं, तो चलिए आप लोग का अंदर जाके सब कुछ शेयर करते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए यहाँ से आप लोग को पानी लेना पड़ेगा अगर आप सोमवार को आते हैं। और ये टेंपल है देखिए, देखिए गांव उधर है, और आप लोग आना चाहते हो तो आ सकते हैं, बहुत अच्छा मंदिर है। देखिए बहुत भीड़ है गाइस, एक बार चेक कर लो देखिए यहाँ पर। और अभी तो टाइम 12 के ऊपर हो चुका है, नहीं तो और भी थोड़ा भीड़ होते हैं। और देखिए भीड़ फिर भी है, देखिए इस साइड में गाड़ी पार्किंग, और भी भीड़ होता है लेकिन टाइम थोड़ा ज़्यादा हो गया है, अगर 9 या 10 के टाइम पे आएंगे तो बहुत भीड़ देखने को मिलेगा। तो फाइनली गाइस देखिए यहाँ पे ये गणेश जी का मूर्ति है, और ये माँ दुर्गा का, देखिए
और इस साइड में देखिए यहाँ पे हनुमान राम लक्ष्मण ये वाल्मीकि, और यहाँ पे कौन है, यहाँ पे है देखिए शिव जी है यहाँ पे, और देखिए ये बहुत बड़ा मतलब क्या बोलूँ मंदिर है। देखिए ये मंदिर के बैक साइड में है, और देखिए यहाँ पे भी है, मतलब पूरा मंदिर का पूरा एक राउंड मतलब वो गोल बना के हर तरफ मतलब भगवान का मूर्ति है। यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे भी है शिव जी, और देखिए यहाँ पे ये मंदिर है। देखिए व्यू चेक करो गैस, और बहुत अच्छा प्लेस है, आप लोग आ सकते हैं दर्शन के लिए। मतलब देखिए यहाँ पे भी है, ये बेल की गाछ है, देखिए शिव जी का मूर्ति है, मतलब हर तरफ मतलब घर बना के मतलब छोटा छोटा देखिए घर जैसा बना के हर तरफ मूर्ति है, और पूरा ग्राउंड मतलब एक ग्राउंड जैसे फील है, एक ग्राउंड में पूरा भर के है। देखिए उधर है, उस साइड से, उस साइड से, यहाँ से यहाँ तक, देखिए देखिए देखते जाओ देखते जाओ गाइस। देखिए ये टेम्पल, और देखिए हाँ लोग यहाँ पे बैठ सकते हैं देखने के, देखिए बैठने के लिए कितना जगह है यहाँ पे, और हम यहाँ थोड़ी देर बैठे थे, बहुत सुकून लगा, मतलब माइंड से कोई टेंशन नहीं था, 10 मिनट बैठे लेकिन माइंड पूरा कूल, मतलब अच्छा लगा बैठने को। टेंपल में आके बैठने को बहुत मज़ा लगता है, मतलब क्या बोलूँ, यहाँ पे बैठे थे कुछ देर के लिए, मतलब माइंड में जितना टेंशन है जो मतलब कुछ किसके के ख्याल नहीं, टेंशन नहीं, पर अच्छा लग रहा था, जैसे भगवान के पास आते हैं ना तो जो फील आता है ना वो आज मुझे फील हुआ फर्स्ट टाइम लाइफ में। आगे पहले से कभी नहीं हुआ था, टेंपल बहुत गया हूँ लेकिन ऐसे फील नहीं हुआ था, आज बहुत मतलब हैप्पी फील हुआ। और गैस देखिए मंदिर, ये बैक साइड है मंदिर का, मतलब चारों साइड गेट है, ये देखिए ये भी एक गेट है, यहाँ पे भी है, और आगे साइड में भी है, और लेफ्ट साइड में भी होगा शायद, चलिए दिखाते हैं। ये है और ये भी चारों तरफ गेट है, देख सकते हैं। चलिए वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, आप लोगों को तो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और सब्सक्राइब करना गाइस चैनल को मेरे, ऐसे ही आपके लिए नया जगह मतलब फेमस टेम्पल वाटरफॉल और क्या डैम लेके आऊँगा मैं आपके लिए। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट ब्लॉग में, थैंक यू फॉर वॉचिंग, जय हिंद, वंदे मातरम।